क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लाइंस एंड एंगल्स, हिंदी में कहते हैं रेखाएं और कोण। ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड हम दो वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हमारे पास ये तीसरा टॉपिक है। हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पर सीखनी है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बोलते हैं हम पूरक कोण हिंदी में, और सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम बोलते हैं संपूरक कोण। अब इसका मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखें, ऐसे एंगल्स जिनका जोड़, जिनको सम करने पे 90 डिग्री मिलता है, ऐसे कोणों को, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या हिंदी में पूरक कोण। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया 30 डिग्री और अगर मैं इसको 60 डिग्री से ऐड करता हूं तो मेरे पास एंगल आता है 90 डिग्री। तो इसीलिए जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक और देखते हैं, अगर मैं एक एंगल लेता हूं 10 डिग्री और दूसरा एंगल लेता हूं 80 डिग्री, और आपको पता है इन दोनों को जोड़ने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। इसलिए इन एंगल्स को भी, इन दोनों एंगल्स को भी हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, मान लो आपके पास एक एंगल है 45 और दूसरा एंगल भी है 45। अब 45 को 45 के साथ जोड़ोगे तो भी आपके पास 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब है इनको भी क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो मेरे पास एक है 10 डिग्री और दूसरा है मेरे पास 60 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो सम है वो आ रहा है 70 डिग्री। तो क्योंकि सम इन दोनों का 90 डिग्री नहीं आ रहा है, इसलिए इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर पूरक कोण नहीं बोलेंगे, बल्कि इन तीनों को हम बोलेंगे। ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए, ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए, ये दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। ठीक हो गया। अब मान लीजिए आपको एमसीक्यूज में कभी इस टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाता है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको दिए हैं, एक एंगल आपको कह दिया कि 50 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर दो एंगल्स आपके पास हैं उनमें से एक एंगल अगर 50 डिग्री है तो आपको उतना एंगल चाहिए ताकि उसको इसके साथ जोड़ो तो आपका एंगल, आपका टोटल सम कितना आ जाए, 90 डिग्री। तो 50 डिग्री और एक जो दूसरा एंगल है वो दोनों मिलकर क्या बन गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए आपके पास, 40 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको जोड़ने पर आपको 180 डिग्री आंसर मिलता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आपके पास 120 डिग्री मैंने लिया और उसके साथ मैंने 60 डिग्री को जोड़ दिया, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना आंसर मिलेगा, 180 डिग्री। इसलिए इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ गया होगा। अगला, मान लो हमारे पास एक एंगल है 150 डिग्री और दूसरा एंगल है 30 डिग्री, इन दोनों को भी जोड़ने पर, इन दोनों का सम करने पर हमें कितना आंसर मिल रहा है, 180 मिल रहा है। इसलिए ये एंगल्स भी क्या हो गए आपके, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक और देख लेते हैं, एक एंगल है 179 डिग्री और दूसरा है 1 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पे भी आपको आंसर कितना मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है। इसीलिए इन एंगल्स को भी, इन दोनों एंगल्स को भी हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब मान लो आपके पास दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं, उनमें से अगर एक एंगल तुम्हारे पास 110 डिग्री है और अगर आपसे पूछा है कि दूसरा एंगल कितना होगा, तो सिंपल तरीका है आपके पास कि आपको पता है कि दोनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल 110 डिग्री दे रखा है तो दूसरा एंगल अगर फाइंड करना हो तो 180 से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 70 डिग्री। तो इसका मतलब है आपके पास वो दो एंगल्स कौन कौन से हो गए, 110, 70 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स आपके पास क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो आई होप कि बच्चों आपको इस वीडियो में सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझ में आ गया होगा। आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।